हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अंडा करी का रेसिपी जो है शेयर करेंगे। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ऑल के नोटिफिकेशन पर। थैंक यू फ्रेंड्स। ब्लॉग जो है कल अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स चलो आज हम लोग अंडा करी बनाते हैं। अंडे को हमने तेल में फ्राई कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं क्योंकि फूटने का डर रहता है। यहाँ पर हमारे मित्र जी द्वारा खड़ी मसाले मिर्च वगैरह सबको पीस लिए हैं और प्याज अदरक लहसुन भी पीस लिया गया है। पेस्ट जो है इस तरह से फ्राई करना है अंडों को। गरम कर लिया जीरा तेल में, मेरे मेथी, मेरा तेज पत्ता, ये प्याज का पेस्ट, मेरा लहसुन का पेस्ट, तो इसमें है गाइस हल्दी मिर्च मसाले खड़ी मसाले का पेस्ट जो है डाला गया है। अभी खड़ी मसाले में आप जीरा धनिया सरसों दालचीनी तेज पत्ता आदि ले सकते हैं। दो टमाटर कट करके डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है तेल में जब तक ये पानी ना छोड़ दे। और थोड़ा नमक डाल दिए स्वादानुसार। ये हल्का हल्का पानी डाल के इसको भूनना है मसाले को जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा कलर आने लगा है इसमें। इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये पूरा तेल ना छोड़ दे। बीच बीच में ऐसे बड़े चम्मच को चलाते रहना है ताकि मसाले जो है चिपके नहीं। फ्रेंड्स कई जगह में अंडों को ऐसे उबाल के दे दिया जाता है बिरयानी वगैरह में, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है। सब्ज़ी में भी ऐसे उबाल के दे देते हैं कई जगह। और अंडे को ऐसे फ्राई करके करी बनाने से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप जब भी बनाएं तो ऐसे ही फ्राई करके बनाएं तेल में। टेस्टिंग हो रहा है मसाले का, ये लगभग हो चुका है। ये देखो छोड़ रहा है। अंडे को डाल दिया गया है मसाले पे थोड़ा सा वाटर। यहाँ पर गरम मसाला थोड़ा डाल रहे हैं ऊपर से और थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल रहे हैं, थोड़ा वाटर। ये देखो थोड़ी देर पकने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे लगभग 1-1.5 गिलास। उसके बाद पकाएंगे फिर लास्ट स्टेप में ये रेडी हो जाएगा। ये हम लोग पानी डाल रहे हैं, आप आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं अपने
पत्ता लोग डाला था यहाँ पर फाइनल स्टेज में धनिया पत्ता डाल रहे हैं हरा वाला। काफी भाप निकल रहा है, लगभग फाइनल स्टेज में है। ये देखो पूरा उबाल आ रहा है, अब सब अंडा करी जो है पूरा रेडी हो गया है, तो आ जाओ खाने के लिए, वेलकम है। ये अंडा करी रेडी है, रेडी फॉर सर्व।